आगामी 3 કલાકમાં વાવાઝોડાની ગતિ ઘટશે। મહત્વના સમાચાર, ભારેથી અતિભારે વરસાદ કચ્છમાં રહેવાની શક્યતા, ત્યારે બનાસકાંઠા, પાટણ, મોરબી, જામનગર સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ તેની અસર રહેશે। અમદાવાદમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ રહેશે। હવામાન વિભાગે જે વાત કરી છે કે ડીપ ડિપ્રેશનમાં વાવાઝોડું ફેરવાશે અને તેની ગતિ આગામી 3 કલાકમાં ઘટી જશે। કચ્છમાં ઓરેન્જ એલર્ટ હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું છે। બપોર બાદ વાવાઝોડાની તીવ્રતામાં ઘટાડો થશે। વાવાઝોડું સાંજ સુધીમાં ડિપ્રેશનમાં પરિણમશે। વાવાઝોડું રાજસ્થાન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। પવનની ગતિમાં પણ ઘટાડો થશે। વાવાઝોડાને લઈને કેટલાક જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે। કચ્છ, દ્વારકા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં ઓરેન્જ એલર્ટ। અમદાવાદમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ રહેવાની શક્યતા। સિવિયર સાયક્લોનિક સ્ટર્મ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ મેં હે, उसका अभी वो वीक होके साइक्लोनिक स्टर्म बन जाएगा। नून तक अराउंड 12 o'clock नून में साइक्लोनिक स्टर्म में परिवर्तन होने का संभावना है। उसका बाद इवनिंग को डीप डिप्रेशन में बन जाएगा। वो जो डीप डिप्रेशन रहेगा वो कच्छ का बॉर्डर एडजॉइनिंग राजस्थान में रहेगा और उसका मूवमेंट फिलहाल 12 km/h में चल रहा है एंड उसके कारण से विंड स्पीड 75 to 85 गस्टिंग टू 95 होने का संभावना है। जैसे जैसे आगे आगे जाएगा 3-3 घंटे में उसका विंड स्पीड ऑल्सो कम होते जाएगी, देन 65 to 75, देन 55 to 65, ऐसे करके शाम तक 45 to 55 गस्टिंग टू 65 km/h होने का संभावना है। और बारिश देखा जाए तो बारिश आज भी कच्छ में हैवी टू वेरी हैवी रेन होने का संभावना है। इवन पाटन, बनासकांठा में भी वेरी हैवी रेन हो सकता है। द्वारका में हैवी रेन होगा ही पक्का, लेकिन वेरी हैवी रेन भी रूल्ड आउट नहीं है। और अराउंड डिस्ट्रिक्ट में, नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल हो सकता है। और अभी समुद्र का किनारे में पोर्ट सिग्नल हमने लोअर किया गया है। जो ग्रेट डेंजर 9, ग्रेट डेंजर 10 इशू किया गया था, अभी उनको एडवाइस किया गया है उसको लोअर करके लोकल कस्नरी सिग्नल 3 वेस्ट करने के लिए। पूरे गुजरात कोस्ट में जितनी पोर्ट्स है सभी सिग्नल लगाएंगे लोकल कस्नरी सिग्नल 3। अभी भी फिशरमैन, अभी सी रफ टू वेरी रफ है, फिशरमैन वार्निंग है। कल हम अपडेट करेंगे फिशरमैन का वार्निंग की वजह से। अहमदाबाद के लिए ए फ्यू स्पेल्स ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेन रहने का संभावना है, हेवी रेन का ज़्यादा संभावना नहीं है।